बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहतरम अपने मोहतरम भाई अरशद साहब का हुक्म था और इस पूरे घराने के साथ हमारा बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है, आज से नहीं बहुत बरसों से। और उस वक्त से जब अभी मेरे चेहरे के ऊपर दाढ़ी का शायद ज़ोर भी नहीं हुआ था तो क़िबला मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, उलमा खलीफा साहब बैठे हैं, सारे मोहब्बत करने वाले बैठे हुए हैं और उलमा की कसरत है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तमानियत महसूस करता हूँ मोहब्बत के साथ हुज़ूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना। मैं भी इंशाल्लाह मुख्तसर अपनी हाजिरी जो मुझे कहा गया है इंशाल्लाह मैं पेश करूँगा हुज़ूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना बुलंद आवाज के साथ तमाम आवाज़ पेश कीजिए। पढ़िए पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि समाप्त कीजिएगा हम उनके नाम
इज्जत से बड़ी बात इससे इज्जत और क्या हो सकती है? क्या हम उनके नाम लेवा? हम उनके नाम लेवा है यही इज्जत हमारी है। हम उनके नाम लेवा है। हम उनके हमारी महफिल की रौनक और बढ़ गई। ताजदारे गोला के गुलाम है जिस दर का मैं गुलाम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की यादगार है। तशरीफ रखिए बाकी वाला। नारे तकबीर, नारे रिसाले, नारे रिसाले, नशे इस्तिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। हम उनके नाम लेवा हैं यही इज्जत हमारी है, वगरना जानते हैं हम कि क्या कीमत हमारी अजनास के सौदे होते हैं। कोई क्या बेचता है, कोई क्या बेचता है, हमने भी बेचा है एक सौदा किया है अपना सौदा हमने पाला रे मुहम्मद ने किया चलिया हमें सस्ता न तुम जानो बड़ी कीमत हमारी है हमें सस्ता न तुम जानो जा
आज मुझे खत्म करना है, मुझे हुक्म दिया गया चिरागे गोल्ला की के कलाम के लिए भी। नाते आपने हमेशा सुनी है चिरागे गोल्ला की, हजरत सैयद नसीरुद्दीन नसीर अलैह रहमत की, लेकिन मैं आखिर में वो चंद शेर पेश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे उलमा मुझे दाद देंगे इंशाल्लाह, वो मुझे दुआ देंगे। मैं एक नात के चंद शेर पेश करूंगा, उसके बाद मैं एक मनकबत मैंने पेश करनी है और वो मनकबत पेश करूंगा जो आज तक किसी नाथान ने नहीं पेश की इंशाल्लाह, ये मेरा दावा। तो दो तीन अशआर एक नात के सुन लें, मेरे भाई की फरमाइश है और नात चला के बोल रहा की है, उसके बाद उन्हीं की लिखी हुई एक मनकबत मैं पेश करूंगा। लेकिन अब मैं सईदा कायनात ही मैं कहूंगा, उम्मुल मोमिनीन कहूंगा, मैं क्या कहूं कि मेरे पास लफ्ज बहुत छोटे हैं, बहुत लफ्जों की तादाद में मैं बहुत गुर्बत महसूस करता हूं जब मैं इस हस्ती का जिक्र करता हूं, हजूर की महबूब हस्ती। आपने देखा कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक ना हंजार एक ना आकिबत अंदेश ने सईदा कायनात उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की, तो उलमा बैठे हुए मेरा दिल किया कि मैं उस हस्ती का क्यों ना जिक्र करूं जो कायनात में सबसे ज्यादा प्यारी है मेरे आप सईदा कायनात सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में चिरागे गोल्ला की एक मनकबत मैं पेश करता हूँ। बहुत कम मनकबत लिखी गई सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और मेरा अपना जौक है, मेरे भाई नकीबे महफिल जो मेरी पुश्त पे बैठे हुए हैं उलमा।